सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी। इसे पढ़िए और दूसरों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। दर्शकों, मैं इस वक्त हूँ खड्डी गांव तालाब के पीछे, जहाँ पर जमीन माफियाओं ने अपनी जमीन बता करके और कलेक्टर की जमीन पर, सरकारी जमीन पर जो है कब्जा करना शुरू कर दिया है। और खुलेआम देखिए चालियां बन रही हैं उधर और भरने हो रही है। और देखिए कलेक्टर का सख्त आदेश है कि मैंग्रोव न जलाया जाए, मैंग्रोव को बचाया जाए, तालाब को न पाटा जाए, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। खुलेआम जमीन माफिया मैंग्रोव जला रहे हैं। देखिए कितना धुआं हो रहा है यहाँ पे। और खुलेआम मैंग्रोव को नष्ट किया जा रहा है, वो भी जला करके उसको भस्म किया जा रहा है मैंग्रोव को। और उसके बाद में जो तालाब है उसको पाटा जा रहा है, भरने की जा रही है खुलेआम, बिना तहसीलदार के परमिशन के, बिना कलेक्टर के परमिशन के खुलेआम भरने की जा रही है। जो तालाब है उसका अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर धुआं हो रहा है, ये मैंग्रोव जलाया जा रहा है। दूर तक आप देखिए पूरा जो है यहाँ पर मैंग्रोव जल रहा है, धुआं निकल रहा है, अंगार लगा हुआ है, सिर्फ मैंग्रोव जलाया जा रहा है। देखिए इसकी भरने की गई है। यहाँ पर जो है अभी दो दिन पहले जो है ये बना दिया गया है, यहाँ पर गाला बनाया गया है, और अभी दो दिन के बाद में फिर यहाँ पर अवैध निर्माण शुरू हो जाएगा। ये सब कारनामा दीवा प्रभाग समिति के भ्रष्ट अधिकारियों के साठगांठ से चल रहा है, इसीलिए शिकायत पत्र देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे ये प्रतीत होता है कि दीवा प्रभाग समिति में अंधेर नगरी चौपट राज का नजारा चल रहा है। मैं सुल्तान।